का मंसूबा है उसको पानी फेरने का काम करेंगे। बीमा भारती डरने वाली नहीं है। एसपी की इस बार फोन किए तो उठा लिए, दूसरा बार फोन कीजिएगा तो उठेबो नहीं करेंगे, क्या मतलब है? प्रशासन की ओर से तानाशाही देखने को मिल, बिल्कुल तानाशाही हुई। बीमा भारती का घर तोड़ करके और न्याय नहीं दिला सकते हैं। न्याय का इतना चिंता है तो सीबीआई का जांच करे। बीमा भारती झुकी है ना झुकेगी कि सीबीआई की जांच। एसपी साहब से हम बोले कि हमारा बेटा का जो नाम दिए है कॉल डिटेल आप निकालिए, तो कहता है कि कॉल डिटेल नहीं निकलता है। डिटेल निकालिएगा जिस दिन हत्या हुआ है। लगातार एक ही बात कह रही है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाले लोग ये सब कर रहे हैं, नीतीश कुमार का फैसला नहीं। इस तरह से जो परेशान किया जा रहा है, जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है, जो है कि बेकसूर को आप फंसा करके उसका जो है कि एसपी जो है कि भवाई लूट रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अति पिछड़ा के बेटी है, डरने वाले नहीं है। फिर से विधानसभा चुनाव से पहले मतलब सत्ता पक्ष वाले चाह रहे कि बीमा भारती जी डगमगा जाए? एकदम बिल्कुल नहीं, जो उसका मंसूबा है उसको पानी फेरने का काम करेंगे। बीमा भारती डरने वाली नहीं है, और जो है ना बीमा भारती का घर तोड़ करके और न्याय नहीं दिला सकते हैं। न्याय का इतना चिंता है तो सीबीआई का जांच करे, सीबीआई का जांच का मांग करते हैं, नहीं तो हम लोग धरना पर धरना धरेंगे सभी कार्यकर्ता मिल करके। इस तरह से जो परेशान किया जा रहा है, जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है, आज जो है कि बेकसूर को आप फंसा करके उसका जो है कि एसपी जो है कि भवाई लूट रहे हैं, है क्या उसको नीतीश कुमार जो है कि एकदम बुला करके अवार्ड मिलेगा क्या? मेरा घर तोड़वा करके एसपी बहादुरी लेना चाहते हैं जी, बिल्कुल। तो आप और कहते हैं एसपी की इस बार फोन किए तो उठा लिए, दूसरा बार फोन कीजिएगा तो उठेबो नहीं करेंगे, क्या मतलब है? मतलब प्रशासन की ओर से तानाशाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल तानाशाही हुई पूरे बिहार में जो है कि आपको तानाशाही कुमार की प्रशासन यही है। बिल्कुल एकदम तानाशाही का सरकार है, तानाशाही है। जनप्रतिनिधि का सम्मान कहाँ है? किसी जनता का सम्मान कहाँ है? जब जनप्रतिनिधि का ये हाल है या हम लोग का ये हाल, सब का यही जैसे जनप्रतिनिधि का हाल है वही से जनता का भी हाल है। तो एक समय तो आप भी थी ना बीमा भारती जी जदयू के साथ, उस समय ये तानाशाही सरकार नहीं थी? बिल्कुल थे, हम लोग सरकार में थे तो नहीं बोलते थे। आप विपक्ष में आए तो बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तो जो हो रहा है वो तो सब दुनिया देख रहा है, क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। राजनीति के तहत कैसे पूर्णिया में गंदा राजनीति किया जा रहा है, एक बच्चा को फंसा करके, वो सबको तो बद्दुआ लगेगा मेरा, जितना हम रोएंगे उतना बद्दुआ लगेगा उसको, एक माँ का। तो आप कहना चाहती हैं कि जो भी ये न्याय दिलवाना है तो सीबीआई का जांच होना चाहिए, हम यही कहेंगे, मांगे कि सीबीआई की जांच। और एसपी साहब से हम बोले कि हमारा बेटा का जो नाम दिया है कॉल डिटेल आप निकालिए, तो कहता है कि कॉल डिटेल नहीं निकलता है, ऐसा होता है कॉल डिटेल नहीं निकलेगा? कहता है कि मटन पार्टी हो रहा था, तो हम एसपी साहब से मिलने गए थे, बोले कि मटन पार्टी कहाँ पर हो रहा था, आप जांच करवाइए, कॉल डिटेल निकालिए मेरा बेटा का कहाँ था उस दिन, जब निर्दोष होगा तो जाएगा जेल। कहा नहीं कॉल डिटेल नहीं निकलता है, मटन पार्टी भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है मटन पार्टी तो कैसे बोले आप? कॉल डिटेल निकालिएगा जिस दिन हत्या हुआ है, जबकि हम लोग खुद वहां गए थे, उसके व्यक्ति जो जिसका मर्डर हुआ था उसके घर पर गए, सब चीज किए, वहां पर बैठ के आए, सब चीज हुआ, मेरा बेटा खुद गया था साथ में। और तब इस तरह से प्रशासन ने नाम देकर के परेशान किया जा रहा है राजनीति के तहत में। आप लगातार एक ही बात कह रही है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाले लोग ये सब कर रहे हैं, नीतीश कुमार का फैसला नहीं है के सब जो है ना इस तरह से तो कहे यार शासन प्रशासन सब उसी का है, जो मर्जी होता है वो करता है, लेकिन हम लोग जो है ना अति पिछड़ा के बेटी है, डरने वाले नहीं है, और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। जब तक जब से हम राजनीति में पैर रखे हैं तब से मेरा जीवन संघर्ष ही जीवन रहा है और संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। ना बीमा भारती झुकी है ना झुकेगी। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीमा भारती जी। देखिए कुछ दिनों से लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो गोपाल यादव का हत्याकांड मामले को लेकर लगातार पूर्णिया में बीमा भारती के घर पर जाती है और कुर्की जब्त करती है। ऐसे में बीमा भारती जी से बातें करने की कोशिश की, इन्होंने साफ साफ कहा है कि सीबीआई की जांच हो, ये इनकी मांग है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।